गहना दूल्हे के हार, फूलों के हार तो आएंगे ही, पर ऐसा करना कि कुछ चूड़ियाँ, दुपट्टे और वो जो मेहंदी के थाल होते हैं ना जिसमें मेहंदी सजाते हैं, वो भी ले ले। तो ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी ना? हाँ हाँ एक ही दुकान से मिल जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, जहाँ से मैं कॉस्मेटिक्स लेती हूँ ना उसके सामने एक दुकान है, वहां से ले लेना, सब कुछ मिल जाएगा। What's up, ladies? अरे भाई शाम को लाहौर से मेहमान आ रहे, तो अम्मी जान का हुक्म है कि आज ही मारिया को मैं बिठा दो, बस उसके फंक्शंस की तैयारी। तो इसके भी माइयों का सामान मंगा रही है? इसके माइयों का सामान? इसका तो सिर्फ निकाह होगा, मेरा मतलब है कि जब इसकी शादी होगी तभी फंक्शंस होंगे ना। चलो तुम जाओ जाके चीजें लेकर आओ। ये जाएगी किसके साथ? चाचा अली बख्श के साथ जाएगी। क्या हो गया आपको मामी? चाचा अली बख्श के साथ भेजने से बेहतर है उनका बेटा नहीं है क्या नाम है उसका, दैट सादत बॉय, उसके साथ भेज देना। एक साथ जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या पता अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा तुम फजूल की बातें बंद करो। शहरयार मैं तो एक काम ही भूल गई। बोले तुम प्लीज सालार के साथ बाजार चले जाओगे, उसको अपनी शादी के लिए शेरवानी लेनी है, प्लीज उसकी हेल्प कर दो। मामी मैं कोई दर्जी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसी शेरवानी लेनी चाहिए। एक तो तुम ना मेरे किसी काम ना आना कभी, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, आप कितनी अच्छी शॉपिंग करती है। अब मैं ही जाती हूँ बाजार और सालार को भी ले जाती हूँ, लेकिन बाकी के अरेंजमेंट्स देख लेना, और लॉन में स्टेज लगना है उसको प्लीज सही तरह देख लेना जाके, और तुम इसकी मदद करोगे। अब ये हो जाएगा या नहीं? हो गया, डन, लग गया स्टेज, मेरे आने तक ये सब काम हो जाना चाहिए। डोंट वरी मामी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे बताएंगी मुझे आपकी किस तरह हेल्प करनी? प्लीज प्लीज आफ्टर यू।